हिंदू धर्म के अनुसार मृत शरीर का एक भाग वायु में और दूसरा भाग जो भस्म के रूप में रह जाता है वो मिट्टी में मिल जाना चाहिए। पर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लोगों ने जलाने के बाद जो कुछ हिस्सा बच जाता है उसे गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जो कि जिससे कि गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। यह सिर्फ लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि शासन के स्तर पर भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जैसे आज हम देखिए हमारी माँ गंगा, उनमें जो है मरे हुए जानवरों की भैंस और गाय को डाल दिया जाता है जो कि सड़ जाती हैं। कितने लोग जिनके पास पैसा है या नहीं है वो अपने सीधा लाश को ले आके गंगा जी में बहा देते हैं, वो भी सड़ जाती होगी, उससे कितने जो है कीटाणु गंगा जी में विलीन हो रहे हैं। साथ ही बहुत बड़ा शहर का नाला जो है वो गंगा जी में बहा दिया जा खोल दिया गया है एकदम सीधे, उसकी वजह से एकदम उसमें पॉल्यूशन फैलता चला जा रहा है। कितने दिन से नाव खे रहे हैं आप? यहाँ लमसम 15 साल से। कभी आपने किसी शौक को फेंका है? नहीं नहीं फेंका है। नहीं। फेंकते देखा है कभी? हाँ फेंकते हैं, लोग जाते हैं फेंकने के लिए। हाँ। अब महात्मा है साधु है तो उनके लिए वो तो अलाउ है। हाँ। उनको जलाया जाता नहीं। हाँ। और बच्चे जो फेंकते हैं लोग? बच्चे तो चोरी छुपा ले आते हैं, अपना गाड़ी से ले आए किनार में आए फिर लोग डाल दिए। उनको क्या करे, बच्चा है उसको जलाया जा नहीं सकता। हाँ हाँ, उसको डालना ही पड़ेगा। तो अब इसके लिए आप लोग कुछ करेंगे कि लोग इसमें शव न डालें? इसके लिए प्रयास सतत हो रहा है। हाँ। लेकिन जल प्रदूषण अधिनियम 1974 भी है। हाँ। उसकी धारा 43 जो है जिसमें दंड है 6 साल की सजा है। हाँ। या रुपये जुर्माना है। हाँ। लेकिन उसका पता नहीं क्यों उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि न्यायालयों को भी नहीं पता है कि इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे इस तरह का केसेस जो है उनको किया जाएगा। और इसलिए ये कार्य जो है पिछड़ा हुआ है और नदियों का प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शव गंगा में बहाना उत्तम है या गलत ये आप स्वयं सोचें और विचारें। जिस पानी में आप स्नान करते हैं, जिसका आप आचमन करते हैं, जिसका आप देव पूजा में प्रयोग करते हैं, अगर उसमें मरे हुए जानवर और शव फेंके जाएंगे तो वो शुद्ध कैसे होगा? उसमें तो सड़ांध आएगी और गंध आएगी। या शव जलाने के बाद जो अंश बचता है उसे आप जो फेंकते हैं क्या वो सही है? इस ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था के बारे में आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए इलाहाबाद से।